यार, पार्क में नहीं रहते मतलब हम घर में रहते हैं। We arrived, कॉल करते हैं उसे, कहाँ है वो। मोबाइल जो है डिक्की में है। कहाँ हो? हाँ हम आ गए, गेट के बाहर हैं, आ जाओ आ जा आ जा। जरा 18 में हम लोग मिले हैं ना, रिकॉर्ड हो रहा है। हेलो कर दो, करो हेलो। चल बैठ जाओ, हेलमेट का कोई दिक्कत नहीं ना है? आपको सीधे जाना है ना अभी, चले। तो मिले हैं अभी फ्रेंड से, तो जाते हैं शिवाजी पार्क। शंकर बाग के साइड का कोई भी पार्क अभी तक हम नहीं एक्सप्लोर किए, तो सोचा चलो भाई, एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी है शंकर बाग, तो इसको भी करना जरूर है ना। राइट जाना है या लेफ्ट? राइट। अरे बोलो ना, कंफ्यूज मत करो बहन, हम लेफ्ट का जला दिए थे इंडिकेटर। अरे रोड पे ही पार्किंग होगा। अरे यार ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, वी अराइव्ड। चलो वीडियो शूट करते हैं अच्छे से, मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम आए हैं शिवाजी पार्क। अगर बात करते हैं लोकेशन की, तो लोकेशन काफ़ी क्लियर है। शंकर बाग में आपको पड़ेगा टेम्पू स्टैंड के थोड़ा सा अंदर। और इससे पहले हमने ना एक ब्लॉग बनाया था द गांव का, तो वो भी इसके जस्ट अपोजिट में ही है, तो वहीं पर है। अगर बात करते हैं टिकट की, तो टिकट हमारा लगा है ओनली फॉर 10 रुपीज़। हम दो इंसान हैं, तो दो इंसान का टिकट लगा है ओनली फॉर 10 रुपीज़। और फिर चलिए इसे एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, आप कैमरा घुमा दो थोड़ा सा कैमरामैन। यहाँ पे ओपन जिम है और पूरा झूला वूला लगा हुआ है और काफ़ी अच्छे से बनाया है। तो शंकर बाग में हम कभी भी एक्सप्लोर कुछ नहीं कर रहे थे ये पार्क को, तो कर रहे हैं। और बात करते हैं ना वेदर की, तो वेदर बहुत गंदा है। मार्च का महीना है और इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है, जून का महीना है। तो चलिए यहाँ का सिनेमैटिक शॉट्स लेते हैं और फिर यहाँ पे अच्छा से सबको, किसी किसी से अगर रिव्यू लेना है तो रिव्यू भी लेते हैं। और मेरी एक फ्रेंड मेरे साथ आई है, जो हमको 2018 में हम उससे मिले थे, आज इतने साल मतलब 4 साल के बाद उससे मिल रहे हैं, तो उसको भी इन्वॉल्व करते हैं अगर वो ब्लॉग में आना चाहेगी। जब आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो ज़रूर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी स्क्रीन पर शो हो रहा हुआ। तो चलिए यहाँ का सिनेमैटिक शॉट्स लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। आप लोगों को जैसे दिख ही रहा होगा कि बच्चे क्या बड़े लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ हमको काफ़ी अच्छा लगा ना, कि यहाँ पे आपको रोका नहीं जा रहा है, मतलब बड़े भी झूल रहे हैं और बच्चे भी झूल रहे हैं यहाँ पे पार्क में, और ओनली फॉर 10 रुपीज़ में आपको ये फैसिलिटी मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा हमको लग रहा है, मतलब शिवाजी पार्क का अगर हमको यहाँ का हिस्ट्री पता चलता है तो वो भी हम आपको बताते हैं। और आप अगर देखोगे तो आपको पूरा यहाँ पे यही दिखेगा, ओपन जिम भी है फॉर मेल एंड फीमेल ऑल्सो, तो वो भी आपको दिखाते हैं। और वहाँ पे भी मधुबनी पेंटिंग्स का कुछ बना हुआ था, तो वहाँ पे भी जाते हैं।
देखोगे ना, आपको पीछे अगर दिख रहा होगा तो ये वाला जो है ना लेडीज का जिम है, और वहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पे जेंट्स का जिम है। मतलब यहाँ पे दोनों का जिम डिफरेंट डिफरेंट है। और ये है मेरी फ्रेंड रोशनी। तो तुमको कैसा लगा पार्क में आके? बहुत अच्छा लगा। तुम तो यहीं रहती हो ना? हाँ, पार्क में नहीं रहते, मतलब घर में रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमेशा आते हैं। मेरे नज़दीक में पार्क है तो हम आते हैं हमेशा। मेनली हम यहीं पे आते हैं क्योंकि और बहुत दूर दूर में मेरा पार्क है, ये पास में पड़ता है तो हम यहाँ पे आते हैं। कैसा वाइब मिलता है? अच्छा है, मतलब एकदम फ्रेंडली पार्क है, मतलब ऐसा कुछ है भी नहीं। कपल फ्रेंडली भी है। कपल फ्रेंडली भी है और जिम है, बच्चे लोग हैं, जिम है, जिम सबसे अच्छा है। हाँ। सुबह में भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आ सकते हैं हम लोग 8 बजे तक, उसके बाद फिर पे करना पड़ता है। तो पता चल ही गया होगा। तो और देखते हैं आगे, कुछ अब दिखता है कुछ तो आपको दिखाते हैं। आई होप आप लोग ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा, और अच्छा लगा है ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। और आप लोग को अगर किस टाइप का वीडियोस देखना है, किसी प्लेस को एक्सप्लोर करना है तो ज़रूर बताएं, और ज़रूर से कमेंट करें आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग, अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बताएं। टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।